हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनु शील को। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज फेसबुक पेज ऑर्गेनिक रीच। ये है ऑर्गेनिक रीच वाला जो मैं एपिसोड चला रहा हूँ, इसका सेकंड एपिसोड। तो आज के इस वीडियो पे मैं कुछ ऐसा तरीका आप लोगों को सिखाऊंगा जो आपके फेसबुक पेज के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वाइटल होने वाला है। तो अगर आप एक फेसबुक क्रिएटर हो या फिर क्रिएटर बनना चाहते हो और चाहते हो कि आपके पेज का जो ऑर्गेनिक रीच है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका जो भी पेज का पोस्ट है वो रीच हो, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो पे आप लोगों को भर भर के नॉलेज मिलने वाला है। तो ना कि आपको बोर, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी जो आप ये पेज देख रहे हो, मैक्सिमम लोगों का ऐसा ही रहता है, पेज ऐसे ही नॉर्मल टेम्पलेट देखने के लिए मिलता है। इस पे क्या होता है, हम लोग जैसे हम एक शॉप ओपन करते हैं और अगर हमने हमारे शॉप में बहुत सारे चीज होते हैं जिसको अच्छे से सजा के नहीं रखते हैं, तब कस्टमर जब भी आता है उन लोगों को जो प्रोडक्ट उन लोगों को चाहिए वो मिलता नहीं है। दुकान में तो है, शॉप में तो है, मगर मिलता नहीं है, क्योंकि हमने शॉप को अच्छे से सजा के नहीं रखता है। वैसे ही इस फेसबुक पेज का अभी जो कंडीशन है, ये शॉप या फिर ये दुकान अगर मैं इस पेज को कंसीडर करूं तो ये अच्छे से सजा हुआ नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे से सजा हुआ नहीं है। ऑर्गेनिक रीच जो है वो कम ही होगा, क्योंकि हमने हमारा जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसको इस पेज पे अच्छे से सजा के नहीं रखा है। तो अगर आपने आपके पेज को वही शॉप के जैसा अच्छे से सजा के रखोगे, हर एक चीज सजा के रखोगे, तो कस्टमर जब भी आएगा आपके पेज पे, मतलब आपके शॉप में, जो मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, तो उनको वो चीज जरूर दिख जाएगा। तो वैसे ही आपके पेज को भी आपको ऐसे सजा के रखना है ताकि जब भी कोई ऑडियंस आए तो उसको सारे चीज देखने के लिए मिले। आएगा एक चीज देखने के लिए मगर देखेगा सारे चीज, वैसे आएगा एक ही कंटेंट देखने के लिए आपके पेज पे मगर देखेगा बाकी के कंटेंट भी, जिससे आपको अच्छा खासा वॉच टाइम मिलेगा, आपके कंटेंट पे व्यू मिलेगा और ऑर्गेनिक रीच भी उससे ज्यादा होगा। क्योंकि वॉच टाइम ज्यादा मिलेगा तो पोस्ट और लोगों को एंगेज होगा, और लोगों को एंगेज होगा तो पेज पे लाइक भी और आएगा, और लाइक और आएगा तो ग्रोथ भी मिलेगा। तो वो कैसे संभव होगा, ये तो मैक्सिमम पेज का ऐसे ही सजावट रहता है। अब मैं दिखाऊंगा एडवांस वे में कैसे आप आपके पेज को सजाओगे, कैसे सजा के रखोगे, जिससे आपका ऑर्गेनिक रीच जो है वो आने वाले टाइम पे ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन रहता है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो मैंने सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन होकर आएगा, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो टेम्पलेट एंड टैब लिखा रहता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने क्लिक कर दिया। जैसे इस पे क्लिक करूंगा, एक नया पेज ओपन होके हमारे सामने आएगा कुछ इस तरीके का। तो जैसे ये ओपन हो जाएगा, अब मैं दिखाऊंगा आपको कौन सा सेटिंग है जिसको चेंज करना है, जिससे आपका दुकान देखने में और भी खूबसूरत लगने लगेगा, मतलब आपका जो पेज है वो और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगेगा और जो भी ऑडियंस आएगा उसको हर कंटेंट आपको अच्छे से सजा हुआ देखने के लिए मिलेगा, जिससे आपके कंटेंट पे ज्यादा से ज्यादा व्यू आएगा, एंगेजमेंट आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी टेम्पलेट लिखा हुआ है और करंट टेम्पलेट जो है वो है स्टैंडर्ड, जो हर एक पेज का बाय डिफॉल्ट रहता है। तो हम आज इसका चेंज करेंगे, क्योंकि हम एक क्रिएटर है और हम चाहते हैं हमारे पोस्ट पे ज्यादा से ज्यादा व्यू आए, हमारे पोस्ट ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिकली रीच हो। इसके लिए आपको एडिट पे क्लिक कर देना है। तो मैंने एडिट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही एडिट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक करके हर एक टेम्पलेट आएगा। जैसे नीचे जाता रहूंगा, एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट आएगा। ये स्टैंडर्ड है, ये बिजनेस है, सेकेंड वाला, थर्ड वाला वेन्यूज है, उसके बाद नॉन प्रॉफिट है, उसके बाद पॉलिटिशियन है, उसके बाद सर्विसेस है, उसके बाद रेस्टोरेंट एंड कैफे है, शॉपिंग है, लास्ट में जो दोस्तों आता है वीडियो पेज। इसी को आपको सिलेक्ट करना है अगर आप चाहते हो ऑर्गेनिकली आपके फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा रीच हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक हो और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो। तो ये वीडियो पेज जो है इसको आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि फेसबुक पे आप सबसे ज्यादा रीच वीडियो का होता है। तो हम चाहते हैं हमारे पेज का हर एक वीडियो को ऑडियंस जब भी आए तब देखने के लिए मिले,
आए तो देखने एक, देख के जाए दस। तो इसके लिए आपको ये वीडियो डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो मैंने वीडियो डिटेल पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई टेम्पलेट, मतलब इस टेम्पलेट को अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो अब जो है वो चेंज हो जाएगा वीडियो पेज में। हमारा जो पेज टेम्पलेट है ये देख सकते हो, करंट टेम्पलेट हो गया वीडियो पेज। अब देखना ये जो पेज का पूरा डिजाइन था पहले का, वो पूरा चेंज हो जाएगा और कितना ज्यादा सजा हुआ होगा हमारा पेज, जिससे हमारे कंटेंट को दुगना रीच मिलेगा ऑर्गेनिकली। तो अब अगर कोई भी बंदा हमारे पेज पे आएगा तो इसको सबसे ऊपर दिखाई देगा स्पॉटलाइट 5 वीडियो। यहाँ पे देख सकते हो पहले ये खाली था इस जगह, यहाँ पे अब आ गया है फीचर्ड वीडियो। यहाँ पे आपका पहला 5 वीडियो देखने के लिए मिलेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करेगा तो एक एक करके यहाँ पे वीडियो आता जाएगा। ये देख सकते हो एक एक करके वीडियो आ रहा है, तो ऐसे ऐसे चेंज करता रहेगा तो एक एक करके यहाँ पे वीडियो आता जाएगा। तो ये एक चेंज हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऐड वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, तो ये भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा दूंगा कि आप कितने सारे फीचर पे वीडियो डाल सकते हो। 5 वीडियो आप ऐसे करके ऐड करके रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो 3-4 वीडियो को ऐड करके रखा है। तो वैसे अगर आप क्लिक करके रख दोगे तो आएगा, अगर पहला वीडियो को देखने तो और 5 वीडियो साथ पे देख के जाएगा। तो ये एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ये टेम्पलेट को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और नीचे आया तो यहाँ पे प्लेलिस्ट, अगर आपने वीडियो प्लेलिस्ट बना के रखा है आपके पेज पे तो यहाँ पे ये शो होना शुरू हो जाएगा। और एक एक करके यहाँ पे एरो पे क्लिक करूंगा तो एक एक करके प्लेलिस्ट भी आता जाएगा। तो ये आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, इससे एंगेजमेंट ज्यादा होने का चांसेस हो जाएगा। लोग आएगा एक टॉपिक पे एक वीडियो देखने के लिए, मगर प्लेलिस्ट से अगर वीडियो को ऑन करेगा तो एक के बाद एक प्लेलिस्ट पे अगर लगातार उसी टॉपिक से वीडियो रहेगा तो ज्यादा देर तक आपके पेज पे टाइम स्पेंड करेगा। इससे आपका ऑर्गेनिक रीच जो है वो ज्यादा होगा, आपका वॉच टाइम ज्यादा होगा। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आया तो आप देख सकते हो अभी वीडियो टेम्पलेट बनाने के वजह से क्या बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो एक एक करके वीडियो आ रहा है, देख रहे हो आप एक एक करके वीडियो सिलेक्ट है तो एक एक करके यहाँ पे वीडियो आ रहा है, वीडियो ही वीडियो पहले आ रहा है। ये सेटिंग अगर आप करोगे तो मुझे 100% भरोसा है कि आपके पेज पे दुगना एंगेजमेंट होगा। और उसी के साथ एक बोनस टिप मैं और दिखाऊंगा इस पेज पे ही अभी करके, तो ये भी आप कर लेना तो आपको और भी ज्यादा वैल्यू मिलेगा। तो अगर मान लो आपके पेज पे बहुत सारे पोस्ट होता है, उनमें से एक पोस्ट ऐसा होता है जो एवरग्रीन कंटेंट होता है, जिसपे हमेशा व्यू आता है, रेगुलर व्यू आता रहता है, उस पोस्ट को आपको चूज कर लेना है आपके पेज से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा एक पोस्ट को, जैसे कि मान लो से फॉर एग्जांपल कोई एक पोस्ट मैं ऐसे ही लेके आपको अभी दिखा देता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं यही पोस्ट को ले लेता हूँ, ये जो पोस्ट है ये मेरे पेज का सबसे ज्यादा एंगेज पोस्ट है, आप कंसीडर कर लो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हो पिन टू टॉप ऑफ पेज। अगर मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो ये जो पोस्ट है ना ये एकदम टॉप पे दिखाई देगा। कोई भी आएगा फेसबुक पेज को ओपन करेगा तो सबसे पहले वही पोस्ट को दिखाई देगा, और क्योंकि वो पेज मेरे पेज का सबसे ज्यादा एंगेज पोस्ट है और इस पे सबसे ज्यादा व्यू आ रहा है और ये वायरल है, तो लोग अगर इस पे पहले ही देखेगा तो इसको देखेगा जरूर। और वो देखने से हो जाएगा क्या, आपके पेज के उस पोस्ट को और भी ज्यादा रीच मिलेगा, और भी ज्यादा वायरल होगा। पहले से तो ये कंटेंट वायरल है ही, उसको और ज्यादा एक्सपोजर मिलने के वजह से और ज्यादा व्यू मिलेगा, और ज्यादा रीच मिलेगा, और वो वीडियो एकदम एवरग्रीन चलता ही जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो आपको एज ए फेसबुक क्रिएटर अपने पेज पे यूज करना है। अगर ये करोगे सभी तो आपका जो पेज है वो आने वाले टाइम पे दुगना रीच लाएगा, दुगना वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा, ऑर्गेनिक रीच उसका दुगना हो जाएगा। और उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कोई बटन नहीं है, यहाँ पे हम लोग एक वीडियो बटन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पेज इन्फो पे अभी क्लिक किया हूँ, तो ये भी आप लोगों को शायद दिखा सकता हूँ इसी वीडियो पे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो पे करके दिखाऊंगा अगर ज्यादा टाइम लिया यहाँ पे तो, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। तो दोस्तों ये जो अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, ये सिलेक्ट आपको तभी करना है जब आप टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हो। तो ये जो सिलेक्शन हम सेटिंग पे जाके किए थे वहां पे ही एक ऑप्शन रहता है
यहाँ पे वॉच वीडियो करके आप टैप एक टैप बटन डाल सकते हो, अगर वो डालोगे तो वहां पर भी कोई क्लिक करेगा तो और भी वीडियो देख पाएगा। तो ऐसा करके ही आपको आपका पेज का जो ऑर्गेनिक है उसको ज्यादा करना है। तो आज जो मैंने सेटिंग्स दिखाया है आप सभी को, मेरा ये अनुरोध रहेगा आप लोग सारे लोग वीडियो टेम्पलेट पे कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि फेसबुक पे आप सबसे ज्यादा रीच वीडियो का होता है। अगर आपने ये वीडियो जो आपने सेटिंग्स दिखाया टेम्पलेट का वो कर लोगे तो आपके पेज पे जरूर दुगना इंक्रीज हो जाएगा पेज का लाइक, पेज का ऑर्गेनिक रीच, पेज का ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो आशा करता हूँ ये जो आज का टिप्स एंड ट्रिक्स रहा ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा एपिसोड रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले टाइम पे ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो के इतने दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों, बाय।